पीएम भूपेश बघेल ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को विकास हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस के 25वें महाअधिवेशन के आयोजन स्थल में बड़ा बदलाव किया गया। बस्तर में नक्सली हत्या का मुद्दा संसद में उठाने के बाद अब भाजपा सड़क पर उतरने जा रही। कोरबा में कोयला परिवहन घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित खनिज विभाग में दस्तावेज खंगाल रही। अंबिकापुर में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ रोपाखार जलाशय के समीप किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। जगदलपुर के बस्तर संभाग में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही नृशंस हत्या के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर में मशाल यात्रा निकाली। साथ ही प्रदेश में बढ़ रही नक्सली हिंसा, हत्या, बलात्कार और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों की हत्या की जा रही है। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वो एक समाज सेवक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वो भारतीय के सच्चे सपूत हैं। और जिस प्रकार से इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, ये अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि किस प्रकार से सुरक्षा जो मामला है सरकार की ओर से पूरी तरह से चरमरा गई। जांजगीर चांपा में एक विवाह समारोह के दौरान गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष और उनके बेटे की लाइसेंस से पिस्टल जब्त कर ली है। 12 तारीख को रासोट गांव में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे शांतनु प्रताप सिंह के विवाह समारोह के दौरान गोली चलाने की घटना के बाद पुलिस ने सिंह और उनके बेटे की लाइसेंस से पिस्टल जब्त की है। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसके संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी पामगढ़ को इसकी जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया था। अपने जांच के दौरान थाना प्रभारी पामगढ़ द्वारा गवाहों के कथन लिया गया, मौके स्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि उसमें जो शस्त्र लाइसेंसधारी हैं उनके द्वारा लाइसेंस के शर्तों का अंतरिम जाँच में उल्लंघन करना पाया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत राजी माघी पुन्नी मेला में संत समागम कार्यक्रम में पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने राजी माघी पुन्नी मेला में शामिल होकर मुख्य मंच से संत समागम का शुभारंभ किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इससे पहले राजी वालोचन मंदिर कुलेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही कहा कि मेले में अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की कला का अनूठा मेल देखने को मिल रहा। राजिम धाम इतनी पुण्य भूमि है कि इसके बारे में मेरे जैसे आदमी कहने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग यहाँ के पुण्य कमाते हैं, कृतार्थ होते हैं। हमारे पुरखों का जो धन लगा हुआ है, धन मतलब ज्ञान धन, बुद्धि धन, कृपा धन, दया धन, उसको हम लोग यहाँ लेने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से हम लोग कृतकृत होकर जाते हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ इस धरती को, राजिम माता को। अंबिकापुर में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ मंगलवार को प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के मुख्य अतिथि एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में
रोपाखार जलाशय के समीप किया गया। इस अवसर पर 78 करोड़ रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह सूत्र में बंधे 350 जोड़ों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी गई। अब आशा करते हैं कि वो जो विधेयक पारित हुआ है उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें और राज्य में जो हमारे अनुसूचित जाति के जनजाति के भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं और EWS के जो हमारे इकोनॉमिक जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को जो सरकार अधिकार देना चाहती है वो अधिकार उनको मिल सके। अंबिकापुर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 50 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद किए गए गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 7,50,000 बताई जा रही है। इसके साथ ही मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उनके दिशा निर्देशन व मार्गदर्शन पर बस स्टैंड की टीम द्वारा सदगुरु कबीर आश्रम के पास मुखबिर के बताए हुए हुलिये के अनुसार रेड कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी प्रमोद प्रधान जो ललुंगा रायगढ़ का रहने वाला है उसके साथ 2 अन्य आरोपी बबलू पटेल व कलेक्टर बिन जो दिगर प्रांत उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं, इनके 50 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 7.5 लाख रुपए है, इनके कब्जे से बरामद कर NDPS के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई। खबर सराय पाली के गांव ऋषिकेला से है, जहां एक युवक ने युवती से शादी का झूठा वादा कर 2 साल तक अवैध संबंध बनाया और बाद में युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक युवक दूसरी शादी करने की तैयारी में लगा हुआ था, जिसकी भनक प्रेमिका को लग गई। प्रेमिका बिना देर किए थाने पहुंची और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376 में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। ग्राम मरीसे के इलाके रहने वाली है, जो उसका दोस्त दयानिधि डरसेना जो आरोपी है, ये जो पढ़ाई कर रहे थे तब से एक दूसरे को जानते पहचानते थे और वो शादी का झांसा देकर लगातार सरायपाली, रायपुर, अन्य जगह में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया शादी का झांसा देकर। और बाद में जब आरोपी का शादी होने वाला था तब पीड़िता को पता चला कि आरोपी का शादी होने वाला है, तब पीड़िता थाना आकर सरायपाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके रिपोर्ट पर रेप का केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।